हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल अनुभव हिंदी में। दोस्तों, हमने बहुत से वायरल वीडियो देखे होंगे, उनमें हम पुलिस वालों के वीडियो भी देखते हैं, जिनमें कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो हमें दिलों को छू जाते हैं। पर कभी कभी ऐसे होते हैं कि पुलिस वाले कुछ काम करते हैं जिनका वीडियो बनता है, उसके पीछे की सच्चाई हम नहीं जानते हैं। पर कभी हमें ऐसा लगता है, कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिसकर्मी नशे की हालत में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आज ऐसे ही एक वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर का आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि पुलिस वाला नशे की हालत में आइसक्रीम के ठेले को खींचते हुए लेके जा रहा था। आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो की सच्चाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बरा थाने के पुलिसकर्मी द्वारा आइसक्रीम का ठेला खींचे जाने का एक वीडियो सामने आया है। आरोप है कि वो पुलिस वाला नशे में था। मुफ्त में आइसक्रीम न खिलाने से परेशान करने के लिए वर्दीधारी पुलिसकर्मी उस आइसक्रीम के ठेले को खींच के लेके जाने लगा। वायरल वीडियो देर रात का है। एक पुलिसकर्मी सड़क पर आइसक्रीम का ठेला लहराते हुए जा रहा है, जबकि उस आइसक्रीम बेचने वाले शख्स उस पुलिसकर्मी के पीछे पीछे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर ठेला चलाने के बाद पुलिसकर्मी भी सड़क पर ठेले को रोक देता है। इसी दौरान एक अन्य पुलिसकर्मी उस ठेले के इर्द गिर्द बाइक दौड़ाता नजर आ रहा है। एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता ने कहा है कि जेब्रा मोबाइल 78 थाना बर्रा के हेड कांस्टेबल अखिलेश पांडे और कांस्टेबल शिवम चार रात में गश्त पे थे। तभी एक आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच के लगभग 12 बजे वापस लौट रहा था, जिसे जेब्रा मोबाइल द्वारा रोका गया तो वह अपनी आइसक्रीम की गाड़ी को छोड़कर वहां से चला गया। तब हेड कांस्टेबल अखिलेश पांडे उसकी आइसक्रीम के ठेलों को चलाकर चौकी की तरफ ले आ रहे थे। हेड कांस्टेबल अखिलेश पांडे उसकी आइसक्रीम की गाड़ी को लेकर चौकी की तरफ आने लगे थे। उसी दौरान वो आइसक्रीम वाला वापस लौट आया तो उसे समझा बुझाकर हिदायत देकर उसकी गाड़ी सहित उसे घर वापस भेज दिया गया। उसी दौरान आइसक्रीम की गाड़ी को हेड कांस्टेबल द्वारा चलाते समय किसी मीडिया कर्मी ने उसका वीडियो बना लिया। इसी दौरान रात में कर्फ्यू प्रभावी है, स्ट्रीट वेंडर्स को दुकान लगाने की मनाही है, ऐसा कहा गया है। पुलिसकर्मी नशे में होने का आरोप लगा है, उसकी जांच हो रही है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय तो मैं जरूर कमेंट करें। ये वीडियो दूसरों तक जरूर शेयर करें और वैसे जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल और इन्फो हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे।